हेलो गाइस वेलकम पार्शाला अभी भी एस बी आई ने एक ने सो वैकेंसीज यहाँ पे निकाली है अप्रेंटिस की इसमें जो बताया गया है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर एक्ट अंडर द देंटिस एक्ट 1961 के अंडर ये वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है वह है यूरो यूरोवन और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसको अप्लाई करने की वो स्टार्ट हो रही है बीस ग्यारह दो हज़ार बीस से क्या ना कल ये इसका जो एक्टिव हो जाएगा लिंक जो रजिस्ट्रेशन के लिए है और दस बारह दो हज़ार बीस दस दिसंबर दो हजार बीस तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो होगा जनवरी मंथ में और जो एप्लीकेशन uh, हैं वो इन्वाइट की जा रही हैं फॉर द इंडियन सिटीजन के लिए अनगेजमेंट एज एन अप्रेंटिस एक्ट नाइनटीन एक्ट वन

वो बैंक के थ्रू डिपॉजिट कर देंगे ऑन और बिफोर द ला, लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ फीस ठीक है इसके जो अप्लाई है वो कैंडिडेट्स के आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन द फ्लोविंग वेबसाइट जो ये लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं ये साइट्स सा आपको बताई गई हैं इन इनमें आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है आगे बताया गया

ओबीसी में एक सौ उनतीस में 48 ऐसे टोटल सीट्स यहाँ पे बताएंगे 480 ठीक है ऐसे हर स्टेट की जो वैकेंसीज पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताई गई हैं और जो लैंग्वेज पे जो जरूरी नेसेसरी है वो लैंग्वेज यहाँ पे बताई गई हैं ठीक है इसके बाद ये टोटल वैकेंसीज जो हैं वो है पचासी सौ वैकेंसीज एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं एसबीआई के द्वारा ठीक है इसमें जो आगे बताया जो गुजरात से है टोटल सीट्स हैं 480 और जो ट्रेनिंग वाइज सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वाइज वो यहां पे डिस्ट्रिक्ट सीट्स भी आपको बताई गई हैं ठीक है, है? ये स्टेट स्टेट और टोटल सीट्स और उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज पे आ, अलग अलग से कैटेगराइज किया गया है जैसे उत्तर प्रदेश में बारह सीट्स हैं महाराष्ट्र में छह ठीक है ऐसे करके सभी स्टेट्स का यहाँ पे बताया गया है जो एज है मिनिमम एज यहाँ पे चाहिए 20 इयर्स की और मैक्सिमम ट्वेंटी एट ईयर्स ठीक है कम से कम बीस साल का और जो ज्यादा मैक्सिमम एज है वो है अट्ठाइस ईयर्स की ठीक है एज इकतीस दस दो हजार बीस को और आगे जो हमें बताया गया है इसमें जो मेन पॉइंट जो इसकी फीस है वो है जैसे जिसमें बताया गया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ठीक है जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगा वो रहेगा थ्री इयर्स का दस 10... और जो स्टाइफेंड और बेनिफिट है वो क्या मिलेगा अप्रेंटिस uh, को जो अप्लाई करेगा जो एक साल है फर्स्ट साल है उसमें पंद्रह हजार रुपया महीने का आपको मिलेगा उसके बाद सोलह हजार पांच सौ रुपए सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर दूसरे साल सोलह हजार पांच सौ रुपया मिलेगा और उन्नीस हजार रुपया मिलेगा आपको थर्ड ईयर में ठीक है इसके अलावा कोई आपको और बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका और एक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा ठीक है इसमें जो टेस्ट होंगे वो होगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जनरल इंग्लिश क्वान्ट एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये चार सब्जेक्ट आपके रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन हर हर सब्जेक्ट के पच्चीस क्वेश्चन रहेंगे आपके और उनके मार्क्स भी पच्चीस रहेंगे ठीक है ड्यूरेशन मिलेगी आपको हर सब्जेक्ट के लिए पंद्रह मिनट्स का टोटल टाइमिंग रहेगी आपकी एक आवर की और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे हंड्रेड और क्वेश्चन रहेंगे हंड्रेड ठीक है उसके बाद जो हमें बताया गया है इसमें हमें एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं और जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे स्टेट वाइज हमें यहाँ पे बता दिए गए हैं और इसकी जो फीस रहेगी मैं आपको बता देता हूँ क्या फीस है इसकी जो इसकी फीस है वो है जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस के लिए तीन सौ रुपए है और जो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी उनके लिए कोई फीस नहीं है यहाँ नील शो कर और जो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आप रीड कर लेना इसकी नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे वो आप देख लेंगे जैसे यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर थम सेल्फ ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट जो वेबसाइट यहाँ पे बताई गई है इन वेबसाइट पे जाके आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी जो पेमेंट है फीस की वो करनी पड़ेगी उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा ठीक है इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो इसमें सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स की जो गाइडलाइंस है वो आप रीड कर लेना उसके अकॉर्डिंग पे इसको फोटोग्राफ साइज आ, इसका साइज फिक्स करके उसको अपलोड करना पड़ेगा नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा क्योंकि इनकी जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये उस पिक्स को अपलोड हो पाएंगी ठीक है गाइज यही जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है आप बाकी इसके नोटिफिकेशन को एक बार रीड कर लेना और उसको जल्दी से अप्लाई कर देना कल आपका जो लिंक है एक्टिवेट हो जाएगा कल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है गाइज थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज के लिए जुड़े रहें ठीक है भाई थैंक यू